हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल इन यूट्यूब। माय सेल्फ राकेश रंजन कुमार। टुडे आई डिस्कस अबाउट हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गो स्टार्ट ऑन कंटेंट इन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। कंटेंट इन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी: इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट यूज इन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, फंक्शन ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गो स्टार्ट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी होता है बेसिकली दो चीज से होता है। पहला है जो फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को हम लोग नेगलेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरा होता है वो ड्रैग फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं इसमें, और जो एयर होता है एयर को भी हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं, जो एयर ड्रैग फोर्स जनरेट करता है। तो एयर को हम लोग खत्म करते हैं बाई वैक्यूम क्रिएट करके, यानी कि ट्यूब के अंदर में हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिसके क्या कारण क्या होता है, जो ड्रैग फोर्स होता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। और जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा पोड्स होता है पोड को हम लोग ट्रैक से ऊपर की ओर, यानी कि एयर में हम लोग एयर में कर देते हैं बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हेल्प से हम लोग पर्स को एयर में कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और ड्रैग फोर्स होता है वह खत्म हो जाता है, और जो व्हीकल जो होता है यानी पोर्स जो होता है जिसका स्पीड होता है जो हाई स्पीड पर वह वर्क करता है, यानी कि हाई स्पीड जिसका होता है। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इज एन द इनोवेटिव ट्रांसपोर्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है जो एक नया कॉन्सेप्ट है, डेट एम टू द रिविजुलाइजेशन ट्रेवल बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ द एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड पिनोमेटिक टेक्नोलॉजी। ये जो है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ट्रेवल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को 2013 में एलन मस्क ने दिए थे। ये बताए थे कि इस जो टेक्नोलॉजी है यानी कि हाइपरलूप है, इसमें एक ट्यूब होगा, ट्यूब के अंदर में हम लोग लो प्रेशर क्रिएट करेंगे, और लो प्रेशर क्रिएट करके उसके अंदर में एक पॉड होगा, जो पॉड क्या होगा, फ्रिक्शनलेस होगा। इट मीन्स कि जो पॉड होगा जो एयर में होगा, यानी कि वह सरफेस से टच कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा, और जिसका जिसके कारण हम लोग हाई स्पीड रीच कर सकते हैं, जिसका अप्रोक्स जो एक्सीडिंग द स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ साउंड होगा। ये कहना था एलन मस्क का। तो प्रोपोज बाय एलन मस्क, यानी कि ये जो दिया गया था हाइपरलूप वो एलन मस्क के 2013 में दिए थे, जिसका हाइपरलूप इनविजन एट द हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिस जो क्या है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वेयर द पोर्ट ट्रेवल थ्रू द लो प्रेशर ट्यूब, जो पोर्ट ट्रेवल करेगा वो लो प्रेशर ट्यूब में करेगा एट इनक्रेडिबली हाई स्पीड, और जिसका स्पीड जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, पोटेंशियली एक्सीडिंग द स्पीड ऑफ साउंड, जिसका जो स्पीड होगा वो प्रॉक्स साउंड के स्पीड के बराबर होगा। हिस्ट्री ऑफ द हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को वाइट पेपर जो पर जो दिए थे वो अगस्त 2013 में दिए थे, एलन मस्क दिए थे। ये बताए थे कि जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है इसमें जो पोर्ट्स होगा उसका जो स्पीड होगा वो 700 माइल पर आवर, इट मीन्स 1100 किलोमीटर पर आवर होगा, जिसे इन्होंने बताए थे कि ये फिफ्थ मोड है ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे कि फर्स्ट मोड का दिए रोड हो गया,
सेकेंड वर्ड हो गया जो वाटर में हो गया, ठीक है, और थर्ड हो गया जो रेलवे हो गया, फोर्थ हो गया जो एयर में हो गया, ठीक है, एरोप्लेन, तो ये क्या हो गया फोर्थ मोड हुआ, और ये जो टेक्नोलॉजी को बोले कि ये फिफ्थ मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। ये जो एलन मस्क दी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, ये ओपन सोर्स द आइडिया, यानी कि इनका जो आइडिया था उनको ओपन सोर्स कर दिए, इट मीन्स कि इन ये जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है इस पर कोई भी इंटरप्रेन्योर या कोई कंपनी या इंटरप्राइज या वर्क कर सकता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द हाइपरलूप कंपनी, यानी कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी दी है तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए लिए क्या अलग अलग कंपनियां डेवलप की गई, जिसमें से फर्स्ट जो कंपनी थी वह हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HTT, जो नवंबर 2013 में एस्टेब्लिश की गई थी, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो प्यारा विस्टा कैलिफोर्निया USA है। सेकंड जो है जो वर्जन हाइपरलूप है, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया हाइपरलूप 1, जिसका एस्टेब्लिश 1 जून 2014 में किया गया था, ये भी एक अमेरिकी कंपनी है। ट्रांसपोर्ट्स इंड, इसका एस्टेब्लिश 2015 में किया गया, इसका जो हेड क्वार्टर है टोरंटो ओनाटियो कनाडा, ये क्या है एक ट्रांसपोर्ट है जो एक कनाडाई कंपनी है, ठीक है। अरिवो कॉरपोरेशन जो 2017 में एस्टेब्लिश की गई, जिसका हेड क्वार्टर है लॉस एंजेलिस एंजेलिस कैलिफोर्निया USA, ठीक है। जो वर्जन हाइपरलूप जो था वो मिल स्टोन लीडरशिप बाय रिचर्ड ब्रांसन, यानी कि वर्जन हाइपरलूप जो सबसे पहले क्या किया टेस्ट किया पॉड एंड ट्रैक टेस्ट, यानी कि जो पॉड और ट्रैक टेस्ट है जो वर्जिन हाइपरलूप है वो 2017 में किया, जो सबसे पहले टेस्ट किया था, जिसका स्पीड है जो 240 माइल पर सेकेंड, इसका मतलब कि 386 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉड क्या करता है ट्रेवल कर रहा था। इसका टेस्टिंग यूएसए में एक नेवाडा जगह है वहाँ किया गया था, ठीक है। इंडिया में जो हाइपरलूप है जिसपे वर्क कर रहा है IIT मद्रास, जो और जिसके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया था वो कंपनी है एक्रोलमीटर एंड निपो स्टील इंडिया, यानी कि निपो स्टील इंडिया जो कंपनी और एक्रोमीटर दोनों मिलकर क्या किया था वो इसके लिए IIT मद्रास को या इंजीनियर प्रोवाइड किया था स्ट्रक्चर के लिए एंड मटेरियल प्रोवाइड किया था 400 टन। और ये जो इंडिया IIT मद्रास और एरोमीटर मिलकर एशिया का फर्स्ट हाइपर लूप फैसिलिटी डेवलप किया, ठीक है, जिसका नाम प्रोजेक्ट नेम था आविष्कार हाइपर लूप, यानी कि जो इंडिया में जो IIT मद्रास जो डेवलप किया था उस प्रोजेक्ट का नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसका स्पीड जो रीच किया था अप टू 200 किलोमीटर पर आवर, जिसका जिसका टेस्टिंग तयूर चेन्नई में किया गया था, और ये जो ट्यूब जो था वो 400 मीटर वैक्यूम ट्यूब था, जो मटेरियल ने प्रोवाइड किया था एरोमीटर एंड निपुण स्टील इंडिया। कंपोनेंट यूज इन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, क्या क्या कंपोनेंट यूज किया गया है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में, तो पहला है जो वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ऐसा एक ट्यूब होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, यानी कि एकदम बहुत कम एयर होता है एप्रोक्स वैक्यूम, तब उस ट्यूब को कहा गया है वैक्यूम ट्यूब। और उसके अंदर में क्या होगा एक पॉड होता है जो क्या पैसेंजर को या जो गुड्स है उसको ट्रेवल कराता है। फिर मैग्लो प्रोपल्शन हो गया, लीनियर इंडक्शन मोटर हो गया, लेविटेशन सिस्टम हो गया, और कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम हो गया,
ट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी सप्लाई हो गया, सेफ्टी सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हो गया। तो एक कंपोनेंट को हम वन बाय वन देखेंगे। वैक्यूम ट्यूब होता है हाइपर लूप पॉड ट्रेवल विद इन लो प्रेशर ट्यूब, यानी कि जो हाइपर लूप पॉड जो होता है वो ट्रेवल करता है विद लो प्रेशर ट्यूब, यानी कि जो पॉड के अंदर जो ट्यूब के अंदर प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा। ऑप्टेन द मेंटेन एट नियर वैक्यूम कंडीशन, जो एकदम वैक्यूम कंडीशन के आसपास होगा। द वैक्यूम रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस, और वैक्यूम के कारण जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो अलाउ करेगा पॉड के मूव हाई स्पीड पे, हाई स्पीड मिनिमल एनर्जी कंजप्शन। और वैक्यूम क्रिएट कर देने के कारण जो पॉड जो ट्रेवल करेगा वो हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा और कम से कम एनर्जी का खपत करके। ठीक है, पॉड्स हाइपर लूप पॉड्स आर द व्हीकल, हाइपर लूप जो पॉड्स है वो व्हीकल होगा दैट कैरी द पैसेंजर, जो क्या करेगा पैसेंजर को कैरी करेगा और कार्गो, कार्गो के थ्रू द ट्यूब, ट्यूब वैक्यूम ट्यूब के थ्रू क्या होगा वो पॉड होगा, उसमें क्या होगा पैसेंजर को और कार्गो को कैरी करेगा और ट्यूब के अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। दीज पॉड्स आर टाइपिकली एरोडायनेमिक डिजाइन, यानी कि ये जो पॉड्स जो होगा वो एरोडायनेमिक डिजाइन के होगा, जिसके कारण क्या होगा मिनिमाइज द ड्रैग फोर्स, यानी कि ड्रैग फोर्स क्या होता है तो ड्रैग एयर के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ड्रैग फोर्स। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग पर क्या होता है एयर के द्वारा एक फोर्स जनरेट किया जाता है, तब उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो उसी ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए हम लोग पॉड का डिजाइन एरोडायनेमिकली करते हैं, जिससे ड्रैग फोर्स क्या होता है कम होता है, और ड्रैग फोर्स कम होगा तो हमारा जो एनर्जी का कंजप्शन होगा वो कम होगा। एंड आर इक्विपाइड विद द प्रोपल्शन एंड लेविटेशन सिस्टम, और जो पॉड्स होगा उसमें इक्विपाई करते हैं हम लोग प्रोपल्शन सिस्टम, यानी कि उसको हम प्रोपल्शन में से उसको हम लोग प्रोपेल करेंगे, धक्का करेंगे। ठीक है, और लेविटेशन सिस्टम जो लेविटेशन के माध्यम से, यानी कि मैग्नेटिक मैग्नेट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे पॉड्स को हम लोग एयर में रखेंगे, यानी कि सरफेस से कॉन्टेक्ट हटा देंगे। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन को हम लोग लेविटेशन सिस्टम से फ्रिक्शन को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है, सरफेस फ्रिक्शन से, और प्रोपल्शन सिस्टम जो होगा वह धक्का देगा। ठीक है, तो ये जो है जो हाइपर लूप व्हीकल है जो जिसे हम लोग कह रहे हैं पॉड्स कह रहे हैं, और वैक्यूम ट्यूब हो गया, ये हो गया जो क्या हो गया ये हो गया ये ट्यूब हो गया, और इसके अंदर में जो होगा जो कैरी करेगा पैसेंजर को और कार्गो को वो क्या करेगा पॉड होगा। ठीक है, ये क्या है ये एक इक्वेटेड ट्यूब है, ये पॉड है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्लो प्रोपल्शन क्या है, तो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी इज यूज प्रोपल द पॉड विथ इन द ट्यूब, यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं प्रोपेल द पॉड, यानी कि जो पॉड्स है ट्यूब के वैक्यूम ट्यूब के अंदर में जो पॉड्स होता है उसको प्रोपेल करने के लिए, धक्का देने के लिए हम लोग वो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं विथ इन द ट्यूब। ये जो दिखाई दे रहा है ये है प्रोपल्शन, जैसे कि इसमें जो होता है जो पोर्ट्स होता है उसपे क्या होता है एक नॉर्थ नॉर्थ होता है पोल और एक होता है साउथ पोर्ट होता है। ठीक है, अब जो ट्रैक होगा उसपे क्या होगा साउथ होगा नॉर्थ होगा, तो हम लोग मैग्नेटिक से हम लोग जानते हैं कि साउथ साउथ वाला होगा जो क्या एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो नॉर्थ साउथ होगा वो एक दूसरे को क्या होगा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो लाइक पोल होगा वो रिपेल करेगा, इट मीन्स पुश द ट्रेन फॉरवर्ड, यानी कि जो लाइक पोल होगा लाइक, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ये क्या हो गया लाइक हो गया, जो क्या करेगा ये एक दूसरे को क्या करेगा प्रोपेल करेगा,
रिपेल करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो ये जो पॉड्स होगा वो फॉरवर्ड मोशन में पुश करेगा, ठीक है। और ओपोजिट पोल अट्रैक्ट एंड पुल द ट्रेन फॉरवर्ड, जो ऑपोजिट पोल जो होगा जैसे कि नॉर्थ और साउथ है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा, एयर में होगा, ये फिक्स होगा साउथ पोल, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ को अपनी ओर क्या करेगा, नॉर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये जो पॉड्स है वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर जाएगा, ठीक है। लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, लीनियर इंडक्शन मोटर आर यूज फॉर द प्रोपल्शन इन द हाइपरलूप सिस्टम, यानी कि लीनियर जो इंडक्शन जो मोटर होता है उसका हम लोग यूज करते हैं प्रोपल्शन के लिए, ठीक है, हाइपरलूप सिस्टम में। दिस मोटर एसिलेट द पॉड बाय द जनरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जो मोटर होता है वो एसिलेट करता है पॉड को जनरेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और क्या करता है, मोटर जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट इंटरैक्ट विद द कंडक्टिंग मटेरियल ऑन द पॉड, और पॉड पर जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसको इंटरैक्ट करता है ऑन द पॉड पुशिंग देम फॉरवर्ड, और वो जो पॉड है उसको फॉरवर्ड मोशन में पुश करता है। इसका जो दो सेक्शन है, एक हो गया, एक जो होता है जो मूव करता है, और दूसरा होता है जो रेस्ट रहता है, ठीक है। इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेविटेशन सिस्टम, लेविटेशन सिस्टम होता है, हाइपरलूप पॉड्स यूज वेरियस लेविटेशन सिस्टम टू फ्लोट अबव द ट्रैक और गाइडवे, यानी कि लेविटेशन सिस्टम का यूज हम लोग करते हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में। पॉड जो होता है, हाइपरलूप पॉड्स होता है, उसको हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, यानी कि ऊपर कर देते हैं, अबव द ट्रैक और गाइडवे, यानी कि जो ट्रैक है और जो गाइडवे है उसकी से हम लोग ऊपर के फ्लोट कर देते हैं पॉड को, जिसके कारण क्या होता है, फ्लोट होने के कारण मेरा जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूज हो जाता है, और फ्रिक्शन रिड्यूज होने के कारण अलाउ फॉर द स्मूथ, और स्मूथर हो जाने के कारण जो पॉड्स है उसको हाई स्पीड ट्रेवल अलाउ करता है। लेविटेशन सिस्टम में इंक्लूड द मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि मैग्लो, यानी कि लेविटेशन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्लो बोलते हैं। एयर क्रूसिंग सिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि मैग्लो का यूज करते हैं और एयर क्रूसिंग सिस्टम का यूज करते हैं, या दोनों के कंबाइन का यूज करते हैं, यानी कि मैग्लो और एयर क्रूसिंग सिस्टम दोनों के कंबाइन से भी हम लोग यूज करते हैं लेविटेशन सिस्टम में। ये जो हो गया लेविटेशन सिस्टम में, ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये ट्रैक है, ट्रैक पर क्या है, नॉर्थ है, और ई पर भी क्या है, यानी पॉड है, पॉड पर भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल होगा जो एक दूसरे के क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के कारण क्या होगा, जो पॉड जो होगा, यानी कि ये जो पॉड होगा वो फ्लॉट कर जाएगा ट्रैक से ऊपर और गाइडवे से ऊपर। ये मेरा गाइडवे हो गया, ये पॉड हो गया, और दोनों पर क्या हो गया, सेम नॉर्थ पोल है, दोनों पर पोल है जो सेम है, लाइक पोल है, तो लाइक पोल क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। तो रिपेल करेगा तो ये जो मेरा पॉड्स है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रैक से फ्लोट कर जाएगा, ठीक है। और फ्लोट कर जाने के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, अब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो मेरा जो पॉड्स है वो हाई स्पीड पर ट्रेवल करेगा। कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम, कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम क्या है, हाइपरलूप सिस्टम आर इक्विपाइड विद एडवांस कंट्रोल एंड द गाइडेंस सिस्टम टू इंश्योर सेफ एंड द प्रिसाइज नेविगेशन विद इन द ट्यूब, यानी कि हाइपरलूप सिस्टम होता है जो इक्विपाई करता है विद एडवांस कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम, यानी कि इसमें एडवांस कंट्रोल सिस्टम एंड गाइडेंस सिस्टम है जो इंश्योर करता है हम लोग को इंश्योर सेफ एंड प्रिसाइज नेविगेशन विद इन द ट्यूब। दिस सिस्टम में इंक्लूड सेंसर, ये जो गाइडेंस सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम है इसमें इंक्लूड होता है, सेंसर हो सकता है, कैमरा है, और ऑटोमेटेड कंट्रोल एल्गोरिथम, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर, द हाइपरलूप इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड द ट्यूब सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड स्टेशन। यानी कि ट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्या है उसमें इंक्लूड करते हैं, ट्यूब हो गया, ये जो ट्यूब हो गया वो हो गया, सपोर्ट स्ट्रक्चर यानी कि ये जो सपोर्ट हो गया पाइलन्स जो सपोर्ट कर रहा है ट्यूब को, और स्टेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा पाइलन हो गया और ये हो गया जो वैक्यूम पंप हो गया। ये क्या है, ये वैक्यूम पंप है जो क्या हो गया, ये जो जो मेरा ट्यूब है वैक्यूम ट्यूब है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने में मदद करता है वैक्यूम पंप। और ये पाइलन हो गया, ये हो गया जो कैप्सूल जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉड से, ये हो गया सोलर पैनल जो इसको क्या होगा एनर्जी देगा, और स्टील ट्यूब ये हो गया ट्यूब। ठीक है, द ट्यूब आर टाइपिकली इलिवेटेड टू द मिनिमाइज लैंड यूज एंड मे इंक्लूड द मल्टीपल रूट फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशन। ट्यूब जो होता है टाइपिकली इलिवेटेड होता है, इलिवेटेड मीन्स यानी कि ऊपर में होता है ट्यूब, ये जो क्या है ये नीचे सरफेस है, इसके ऊपर क्या होता है ट्यूब होता है यानी कि ऊपर में होता है ट्यूब। ठीक है, इलिवेटेड जिसके कारण क्या होगा मिनिमाइज कर देगा लैंड यूज का, यानी कि लैंड जो यूज हो रहा है उसको कम से कम कर देगा। ठीक है, एंड मे इंक्लूड मल्टीपल रूट, और इसके अलावा भी हो सकता है यानी कि हम अंदर की मिट्टी के अंदर यानी कि ग्राउंड में हम लोग भी क्या कर सकते हैं ये ट्यूब को हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट कंडीशन एनर्जी सप्लाई हाइपरलूप सिस्टम रिक्वायर ए रिलायबल एनर्जी सप्लाई टू ऑपरेट। यानी कि हाइपरलूप सिस्टम होता है उसके लिए क्या होता है रिक्वायर होता है रिलायबल एनर्जी सप्लाई टू ऑपरेट। दिस में इन्वॉल्व द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इसमें हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है सच एज सोलर पैनल एलोंग द ट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सटर्नल पावर सोर्स फॉर प्रोपल्शन एंड अदर सिस्टम। यानी कि इसके लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करते हैं जैसे कि सोलर पैनल हो गया और एलोंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जितना भी ट्यूब का जितना डिस्टेंस रहेगा वो पूरे डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे सोलर पैनल का यूज करेंगे। ठीक है, एंड एक्सटर्नल पावर सोर्स का यूज करेंगे फॉर प्रोपल्शन एंड अदर सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि हम लोग पॉड्स को प्रोपेल करना है यानी धक्का देना है तो उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल पावर सोर्स का भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक्सटर्नल पावर सोर्स में क्या हो गया ये सप्लाई फ्रॉम ग्रिड, ग्रिड से हम लोग सप्लाई किए ट्रांसफार्मर के पास, ट्रांसफार्मर जो हो जो क्या करेगा मेरा अप करेगा वोल्टेज अप करे डाउन करेगा। दो तरह के होता है ट्रांसफार्मर, एक होता है अप और दूसरा डाउन, यानी कि एक होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है दूसरा होता है डिक्रीज करता है। तो हम लोग वोल्टेज को क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे और फिर क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे एसी टू डीसी कन्वर्ट, यानी कि अल्टरनेट करंट होगा उसको हम लोग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग बैटरी में स्टोर करेंगे, बैटरी से हम लोग फिर क्या लेंगे डीसी टू एसी, एसी कन्वर्टर। ठीक है, उसके बाद हम लीनियर इंडक्शन मोटर, फिर हम लोग लीनियर जो इंडक्शन मोटर है जो इस पे होगा ये लीनियर इंडक्शन मोटर उसको हम लोग क्या करेंगे हम लोग करंट देंगे यानी पावर देंगे और फिर वो पावर क्या होगा आउटपुट एनर्जी में हम लोग के मिलेगा। यहाँ से देखिए यहाँ से दो कुछ सिस्टम है, एक है सोलर पैनल से है और एक ग्रिड से है। ठीक है, दोनों में क्या है ये सोलर पैनल से गया जो क्या हो गया डीसी डीसी में हो गया। ठीक है, ये तो डीसी डायरेक्ट मिलेगा डायरेक्ट करंट, लेकिन ये जो ग्रिड से मिलेगा वो अल्टरनेट करंट मिलेगा। तो अल्टरनेट करंट को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं जो मेरा क्या होगा वोल्टेज को स्टेप अप यानी कि वोल्टेज मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और उसको फिर क्या करेंगे ग्रिड साइड कन्वर्टर और ग्रिड साइड कन्वर्टर में लेके जाएंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे। एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग लीनियर इंडक्शन मोटर पर लेके जाएंगे। यहाँ हो गया क्या ये हो गया एसी से डीसी में स्टोर करेंगे। ठीक है, और फिर क्या डीसी से एसी में जो मेरा लीनियर इंडक्शन मोटर जो होगा वो क्या करेगा वो एसी पर वर्क करेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए हम लोग क्या करते हैं
एसी से डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर जो डीसी टू एसी इन्वर्टर, ये क्या है, डीसी टू एसी, यानी कि बैटरी में स्टोर करने के लिए हम लोग डीसी में करते हैं, यानी कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी कन्वर्टर, ठीक है। और फिर क्या करता है, बैटरी में स्टोर की एनर्जी, और फिर हम डीसी टू एसी इन्वर्टर में, और फिर हम लोग डीसी एसी जो करंट है वो लीनियर इंडक्शन मोटर में देते हैं, ठीक है। और लीनियर इंडक्शन मोटर होगा वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा और फिर क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और कैप्सूल में जनरेट होगा, तो उसमें क्या होगा, कैप्सूल, कैप्सूल में मैग्नेटिक फील्ड और लीनियर इंडक्शन मोटर होगा जो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और दोनों पोल क्या होगा, एक दूसरे के क्या करे, अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा, ठीक है। और अट्रैक्ट और रिपेल करने के कारण क्या होगा, मेरा जो कैप्सूल होगा यानी पॉड्स होगा वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर जाएगा, ठीक है। सेफ्टी सिस्टम, हाइपरलूप सिस्टम इनकॉर्पोरेट सेफ्टी फीचर सच एज द इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, रिडंडेंट पावर सप्लाई हो गया, फायर सप्रेशन सिस्टम हो गया, फेल सेफ मैकेनिज्म टू इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी एंड सिस्टम रिलायबिलिटी, डिजाइन बाय द एलन मार्क्स स्पेसिक टेस्ला मोटर के द्वारा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये फैन हो गया, इनलेट एयर इनलेट, मान हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं, अप्रोक्स नियर टू वैक्यूम होता है, ठीक है। एयर स्टोरेज मोटर हो गया, बाल के हेड हो गया, इसमें क्या होगा, पैसेंजर जो होगा पैसेंजर कंपार्टमेंट, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम हो गया, और ये क्या हो गया, बैटरी हो गया, जो बैटरी जो होगा वो पावर को स्टोर करेगा। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, हाइपरलूप सिस्टम यूज कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, और अगर हम लोग के रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी को। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द पोर्ट्स, पोर्ट्स स्टेशन एंड कंट्रोल सेंटर, और जो क्या करता है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं रियल टाइम में, ठीक है, बिटवीन पोर्ट्स या स्टेशन या कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि ई हो गया, ट्यूब टू यू पोर्ट्स, पोर्ट्स टू पोर्ट्स कम्युनिकेशन, और ट्यूब टू पोर्ट्स कम्युनिकेशन, यू टू पी पोर्ट्स टू पोर्ट्स टू ट्यूब, यानी कि पोर्ट्स से ट्यूब, और ये कम्युनिकेशन हो गया ट्यूब से स्टेशन, ट्यूब टू स्टेशन, ठीक है, और यूजर टू स्टेशन, यूजर टू स्टेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। फंक्शन ऑफ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, फंक्शन क्या है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का, फंक्शन वैक्यूम इन्वायरमेंट, यानी कि हम लोग इसमें जो होगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में, पहले जो इन्वायरमेंट बनाएंगे वो वैक्यूम बनाएंगे, मैग्लो प्रोपल्सन यानी प्रोपल्सन होगा और मैग्लो मैग्लो प्रोपल्सन का यूज करते हैं, लीनियर इंडक्शन मोटर जिसको LIM बोल रहे हैं, पॉड डिजाइन एंड एरोडाइनेमिक, यानी कि पॉड्स का जो डिजाइन हम लोग करेंगे वो एरोडाइनेमिक होगा, पॉड लेविटेशन एंड गाइडेंस, यानी कि पॉड होगा वो लेविटेशन होगा और गाइडेंस होगा, प्रोपल्सन एंड एसिलेशन, डिसिलेशन एंड ब्रेकिंग, प्रेशर कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम, रूट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। वैक्यूम इन्वायरमेंट, हाइपरलूप ऑपरेट विद इन ए सील ट्यूब और टनल मेंटेन एट ए नियर वैक्यूम और लो प्रेशर इन्वायरमेंट, यानी कि जो वैक्यूम जो होता है हाइपरलूप होता है वो ऑपरेट करता है विद इन ए सील ट्यूब, यानी कि बंद होता है ट्यूब उसके अंदर या कोई टनल के अंदर, मेंटेन नियर वैक्यूम जो मेंटेन करके रखता है अंदर में वैक्यूम के निकट, या कह सकते हैं लो प्रेशर इन्वायरमेंट, द वैक्यूम रिड्यूस द
एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, और वैक्यूम के कारण जो एयर का जो रेजिस्टेंस लगता है यानी जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, उसको रिड्यूस करता है। इट मीन्स फ्रिक्शन भी वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, अलाउिंग फॉर टू ट्रेवल एट हाई स्पीड विथ मिनिमल एनर्जी कंजप्शन। जो अलाउ करता है वैक्यूम जो होता है वो अलाउ करता है पॉड को ट्रेवल करने के लिए हाई स्पीड पर विद मिनिमम एनर्जी कंजप्शन, यानी कि कम एनर्जी खर्च करके हाई स्पीड में ट्रेवलिंग करना यह अलाउ करता है वैक्यूम एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो हो गया, एक क्या हो गया पॉड हो गया, और ये हो गया ट्यूब हो गया। तो पॉड ट्यूब के अंदर में हम वैक्यूम की नियर टू वैक्यूम यानी कि लो प्रेशर, प्रेशर जो होता है उसको हम बहुत कम कर देते हैं। प्रेशर कम करने के कारण जो इस पर जो फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाने के कारण क्या होगा, ये जो स्पॉट्स का स्पीड होगा वो हाई होगा और एनर्जी भी क्या होगा, कम खपत होगा। मैग्नेटिक प्रोपल्शन, पोल्स आर प्रोपेल यूजिंग द मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि पोल्स होता है जो प्रोपेल करता है पॉड्स। मैग्नेटिक प्रोपल्शन सिस्टम में पॉड्स पॉड्स आर प्रोपेल्ड यूजिंग द मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन को यूज करके हम लोग पॉड्स को क्या करते हैं, हम लोग प्रोपेल करते हैं। वेयर द मैग्नेट ऑन द पॉड इंट्रैक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल इम्बेडेड इन द ट्रैक, यानी कि जो मैग्नेट होता है पॉड पर जो मैग्नेट हो गया, ये हो गया मेरा पॉड हो गया, और ये क्या हो गया, ये पॉड हो गया, और ये हो गया मेरा ट्रैक हो गया। ठीक है, तो पॉड में होता है मैग्नेट होता है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एम्बेडेड इन द ट्रैक, और ये जो ट्रैक होगा उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो लेविटेशन जो होगा, इसमें दो, एक लेविटेशन और दो दूसरा है प्रोपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिफ्ट एंड प्रोपेल द पॉड्स अराउंड द ट्रैक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होगा यानी कि जो ये ट्रैक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, ये जो पॉड्स है उसको ऊपर की ओर रखेगा, लिफ्ट करके रखेगा और प्रोपेल करेगा, धक्का भी देगा। ठीक है, पॉड्स अलोंग द ट्रैक विदाउट द फिजिकल कॉन्टेक्ट, और ये अलोंग द ट्रैक जितना ट्रैक रहेगा वो पूरे ट्रैक में क्या करेगा, इसको फिजिकल कांटेक्ट यानी कि जो ट्रैक है ट्रैक से फिजिकल कांटेक्ट के विदाउट यानी कि फिजिकल कांटेक्ट इसको हटा देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन एंड एनेबलिंग अ स्मूथ एसिलेशन, और जब ये क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो फ्रिक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा यानी कि खत्म के बराबर होगा, ना के बराबर होगा, जिसके कारण क्या हो, अनेबल करेगा स्मूथ एसिलेशन का। ठीक है, तो ये मैग्लेव प्रोपल्शन होता है जिसमें क्या हो गया, ये प्रोपल्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, लाइट पोल होता है जो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो अनलाइट पोल होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो ये मान लो कि साउथ है, ये है नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, ये हो गया मेरा पोल्स और ये हो गया ट्रैक। तो ये नॉर्थ वाला पोल है, जो नॉर्थ वाला पोल और ये नॉर्थ वाला पोल, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ पोल हो गया वो लाइट पोल होता है, इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, और रिपेल करने के कारण ये क्या होगा, ये जो पोल्स है वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर आएगा। ठीक है, और ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा वो क्या करेगा, वो अनलाइक पोल है, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, ये जो पोल्स है नॉर्थ वाला वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो एक ये जो मैग्नेटिक प्रोपल्शन होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिफ्ट प्रोपेल द पॉड्स अलोंग द ट्रैक विदाउट द फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन एंड अनेबलिंग स्मूथ एसिलेशन। लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर होता है, लीनियर इंडक्शन मोटर आर यूज फॉर द प्रोपल्शन एंड ब्रेकिंग विथ इन द हाइपरलूप सिस्टम, यानी कि लीनियर इंडक्शन जो मोटर होता है उसका यूज करते हैं प्रोपल्शन के लिए और ब्रेकिंग के लिए विथ इन द हाइपरलूप सिस्टम, यानी कि हाइपर जो लूप सिस्टम है उसमें हम लोग धक्का देने के लिए और रोकने के लिए
जो पर्स है उसको धक्का देने के लिए और उसको रोकने के लिए हम लोग लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। डेज मोटर जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये जो लीनियर इंडक्शन मोटर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दैट इंटरैक्ट विद द पर्स मैग्नेट्स, यानी कि जो पर्स पर जो मैग्नेट होता है उसको क्या करता है या इंटरैक्ट करता है। पर्स पर मैग्नेट होता है और ये जो लीनियर इंडक्शन मोटर होता है वो ट्रैक पर होता है, तो इंटरैक्ट विद द पर्स मैग्नेट, जो इंटरैक्ट करता है ट्रैक पर, जो पर्स पर जो मैग्नेट होता है और जो ट्रैक पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, वो दोनों क्या करता है, एक दूसरे को इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है प्रोड्यूसिंग द फॉरवर्ड थ्रस्ट फॉर द एक्सीलरेशन एंड रिवर्स थ्रस्ट फॉर डी डिसेलेरेशन, यानी कि ये जो होता है प्रोड्यूस करता है थ्रस्ट फॉर फॉरवर्ड थ्रस्ट फॉर एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन करने के लिए पॉड को वो प्रोड्यूस करता है फॉरवर्ड थ्रस्ट, ठीक है, और रिवर्स थ्रस्ट करता है फॉर द डी इंसुलेशन, यानी कि डिसेलेरेशन इट मींस ब्रेकिंग, यानी कि जब हम लोग के ब्रेकिंग जब करना लगाना होता है पॉड्स, रोकना होता है जब पॉड्स को, तो उसमें रिवर्स थ्रस्ट जनरेट करता है, ठीक है, और जब हम लोग को पॉड को मूव करना होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पर ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड थ्रस्ट, यानी कि फॉरवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करवाते हैं जिसके कारण एक्सीलरेशन करता है पॉड। तो इसमें दो गो होता है, एक होता है सेकेंडरी होता है और दूसरा होता है प्राइमरी होता है। प्राइमरी जो होता है वो क्या होता है, पॉड्स पर होता है, और जो सेकेंडरी होता है जो होता है ट्रैक पर होता है। ये जो हो गया, ये हो गया एल्युमिनियम कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया जो ट्रैक पर होगा, और ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो पॉड्स पर हो गया, ये थ्री फेस बाइंडिंग हो गया, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये जो ये सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें जो है ये प्राइमरी हुआ जो पॉड्स पर होता है, और ये जो होगा जो सेकेंडरी हुआ जो क्या हो गया, जो ट्रैक पर होता है, ठीक है, तो इसमें दो हो गया, ठीक, एक हो गया, देखो ये हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल, इसमें दो मैग, एक हो गया यानी परमानेंट मैग्नेट होता है, ये क्या होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सेकेंडरी में होता है एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, और एक पूरा क्या होगा, जो ये पूरा जो हो गया ये प्राइमरी होगा, जिसमें क्या हो, फोर्सेस हो गया, आयरन कोर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वाइल हो गया, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वाइल है, आयरन बैक वर्क हो गया, ये जो क्या हो गया एल्युमिनियम कंडक्टर का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसमें पॉड होता है और ये क्या होता है, इसमें होता है जो ट्रैक पर होता है, तो ये जो होगा पॉड और ट्रैक होगा, जब ये क्या होगा इस पे भी क्या होगा, अगर सेम पॉड और नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल यानी कि लाइक रहेगा, तो उसके क्या करे, लाइक अगर पोल रहेगा दोनों पर पॉड और ट्रैक पर, तो एक दूसरे से क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो पॉड होगा वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर जाएगा, ठीक है, और जो अगर डिफरेंट पोल होगा यानी कि अलग अलग पोल होगा, एक पर साउथ एक पर नॉर्थ होगा, या एक नॉर्थ होगा और साउथ होगा, तब क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के कारण भी क्या होगा, जो पॉड्स होगा वो फॉरवर्ड मोशन में आगे की ओर जाएगा, ठीक है। पोल डिजाइन एंड एरोडाइनेमिक, यानी कि हाइपर लूप पॉड्स होता है वो डिजाइन टू बी एरोडाइनेमिक, यानी कि हाइपर लूप जो पॉड होता है वो एरोडाइनेमिक होता है, विथ अ स्ट्रीम लाइन शेप एंड रिड्यूस फ्रंटल एरिया टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस, और इसका जो शेप होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रीम लाइन होने के कारण जो ये रिड्यूस कर देता है फ्रंटल एरिया, यानी कि जो फ्रंट का एरिया होगा पॉड का वो कम हो जाए कर देता है, जिसके कारण जो एयर से जो एयर के कारण जो फोर्स जनरेट होगा जिसे ड्रैग फोर्स बोलते हैं वो कम से कम हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस। एक्टिव कंट्रोल सिस्टम में एडजस्ट द पोर्ट्स पोजिशन एंड ओरिएंटेशन टू ऑप्टिमाइज एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस,
यानी कि एक्टिव कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो एडजस्ट करके रखता है पॉड के पोजीशन की, यानी कि पॉड के जो पोजीशन है और ओरिएंटेशन, यानी कि इसका जो पोजीशन ओरिएंटेशन होता है उसको ऑप्टिमाइज करके रखता है एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द हाई स्पीड ट्रेवल। यानी कि जब पॉड होता है जो हाई स्पीड पर ट्रेवल करता है तब उसके पोजीशन ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन को वह मेंटेन करके रखता है। पॉड लेविटेशन एंड गाइडेंस। पॉड लेविटेशन मैग्नेट और मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम ऑन द पॉड मेंटेन लेविटेशन एंड गाइड द पॉड अलोंग द ट्रैक। यानी कि मैग्नेट होता है और मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम होता है ऑन पॉड, पॉड पर होता है जो मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम होता है जो मेंटेन करके लगता है लेविटेशन एंड गाइड करता है पॉड को अलोंग द ट्रैक। यानी कि जो ट्रैक है ट्रैक के अलोंग लेविटेशन करता है, लेविटेशन यानी कि फ्लोट करवाता है पॉड को, ठीक है, फ्लोट करवाता है या फ्लोट फ्लोट द पॉड एबव द ट्रैक, ठीक है, और गाइड करने का काम करता है पॉड अलोंग द ट्रैक। मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम यूज रिपेलिंग फोर्स बिटवीन द मैग्नेट टू लिफ्ट एंड सस्पेंड द पॉड व्हाइल द गाइडेंस सिस्टम इंश्योर द प्रिसाइज अलाइनमेंट एंड द नेविगेशन विथिन द ट्यूब। यानी कि जो मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम होता है उसका यूज करते हैं रिपेलिंग फोर्स, यानी कि रिपेल करता है, रिपेलिंग फोर्स जो क्या करता है पॉड्स को रिपेल करता है यानी कि धक्का देने का काम करता है बिटवीन द मैग्नेट टू लिफ्ट एंड सस्पेंड द पॉड, जो लिफ्ट करता है पॉड्स को और सस्पेंड करता है। वाइल द गाइडेंस, जबकि जो गाइडेंस है जो इंश्योर करता है प्रिसाइज अलाइनमेंट एंड नेविगेशन विद इन द ट्यूब। ये जो हो गया लेविटेशन हो गया, इसमें क्या हो गया, ये हो गया मेरे पॉड्स हो गया और ये ट्रैक हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ये सेम पोल है यानी नॉर्थ है नॉर्थ है, ये भी क्या है नॉर्थ है नॉर्थ है नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल हो गया, यानी कि लाइक पोल होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण क्या होगा, जो इस पे भी नॉर्थ है इस पे भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के कारण क्या होगा जो पोर्स होगा वो लिफ्ट कर जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, अबव द ट्रैक। प्रोपल्शन एंड एसिलेशन। लीनियर इंडक्शन मोटर लोकेट अलोंग द ट्रैक, यानी कि इसमें हम लोग प्रोपल्शन और एसिलेशन के लिए लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं जो पूरे ट्रैक में होता है। एसिलेटेड द पोर्ट बाय द क्रिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट इंटरैक्ट विद द पोर्ट्स मैग्नेट। ये इसमें क्या होता है प्रोपल्शन में, यानी कि जो पोर्ट्स जो होगा क्रिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इंटरैक्ट करता है विथ पॉड मैग्नेट्स, यानी कि जो ट्रैक होगा ट्रैक पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जो पॉड्स पर जो मैग्नेट होगा उसके साथ इंटरैक्ट करता है, यानी कि इस पे जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ये वाला पे यानी ट्रैक पे, और ये जो होगा यानी पॉड पे होगा वो होगा मैग्नेट्स पॉड्स मैग्नेट्स, यानी कि इस पे होगा पॉड्स का मैग्नेट्स होगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा जो एक दूसरे को क्या करेगा इंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोपेल द पॉड फॉरवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो प्रोपेल करने का काम करेगा पॉड को फॉरवर्ड मोशन में, ठीक है, यानी कि ये जो पॉड है उसको क्या करेगा फॉरवर्ड मोशन में क्या करेगा या रिपेल करेगा प्रोपेल करेगा। प्रोवाइडिंग द एसिलेशन फॉर द हाई स्पीड ट्रेवल विथ इन द हाइपरलूप सिस्टम, और ये प्रोवाइड करेगा एसिलेशन हाई स्पीड ट्रेवल के लिए विथ इन द हाइपरलूप सिस्टम। इसमें एक पोल होगा, ये क्या हो गया साउथ इन नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो इस साउथ वाला पोल है ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो एक दूसरे उसको क्या करेगा ये क्या है अनलाइक पोल है, तो अनलाइक पोल ठीक है, ये क्या है साउथ है नॉर्थ है, तो इस साउथ नॉर्थ साउथ साउथ, ठीक है, तो साउथ साउथ क्या होगा एक दूसरे को रिपेल करेगा,
ठीक है, यानी कि लाइक पोल होगा जो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के कारण जो पुश करेगा ट्रेन को फॉरवर्ड मोशन में, ठीक है। और नॉर्थ 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 टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ और साउथ टू साउथ, यानी कि लाइक पोल होगा और रिपेल करेगा जिसके कारण पुश करेगा ट्रेन को फॉरवर्ड मोशन में, और अनलाइक पोल होगा वो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा जिसके कारण क्या होगा पुश करेगा ट्रेन को, ट्रेन यानी इट मीन्स पॉड को फॉरवर्ड मोशन में। डिसेलेरेशन एंड ब्रेकिंग, यानी कि इसमें क्या होगा अगर इसमें टर्च नहीं है तो हम लोग ब्रेक कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं जस्ट अपोजिट यूज करते हैं प्रोपल्शन के, यानी कि डिसेलेरेशन एंड ब्रेकिंग में टू डिसेलेरेशन एंड ब्रेक लीनियर इंडक्शन मोटर क्रिएट रिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो लीनियर इंडक्शन मोटर जो होता है यानी कि जो ट्रैक पर होता है लीनियर इंडक्शन मोटर, उसमें उसमें हम लोग पहले क्या प्रोपल्शन यानी कि रिवर्स नहीं फॉरवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का करवाते थे, अब उसका ऑपोजिट में हम लोग रिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जेनरेट करवा देते हैं जिसके कारण क्या होता है एक्ट एज ए ब्रेकिंग फोर्स ऑन द पॉड, जो एक्ट करता है ब्रेकिंग फोर्स के जैसा, ठीक है, जो पहले क्या कर देता जो पॉड्स था उसको फॉरवर्ड मोशन में करता था वही को हम लोग क्या कर देंगे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको रिवर्स कर देते हैं जिसके क्या करते हैं पहले फॉरवर्ड मोशन में जा रहा था लेकिन अब क्या आ जाएगा पीछे की ओर आना शुरू, यानी कि उसके ओपोजिट में कर देता है रिवर्स कर देता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज लाइक ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम में आल्सो बी द यूज टू कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द डिसेलेरेशन, यानी कि रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो यूज करते हैं कैप्चर करने के लिए काइनेटिक एनर्जी के ड्यूरिंग द डिसेलेरेशन, यानी कि डिसेलेरेशन यानी कि जब ब्रेकिंग होता है तब वहां पर हम काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं कैप्चर कर दे कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो डिसेलेरेशन में जो के दौरान डिसेलेरेशन के दौरान जो एनर्जी जो हो कर यूज करते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है डिसेलेरेशन के कारण वो उसको हम लोग यूज करते हैं और उसको हम लोग कैप्चर करते हैं डिसेलेरेशन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फॉर यूज विद इन द सिस्टम, और उस एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको हम लोग यूज करते हैं फिर सिस्टम में। प्रेशर एंड कंट्रोल एंड सेफ्टी सिस्टम, हाइपरलूप ट्यूब आर इक्विपाइड विद द प्रेशर कंट्रोल सिस्टम टू मेंटेन द डिजायर वैक्यूम और लो प्रेशर इन्वायरमेंट, हाइपरलूप ट्यूब होता है उसमें इक्विपाइड होता है विद प्रेशर कंट्रोल, यानी कि उसमें क्या होता है प्रेशर कंट्रोल सिस्टम होता है जो मेंटेन करके रखता है डिजायर वैक्यूम और लो प्रेशर इन्वायरमेंट, यानी कि जितना हम लोग के डिजायर है जरूरत है ट्यूब के अंदर में प्रेशर या वैक्यूम उसको वह मेंटेन करके रखता है प्रेशर कंट्रोल। सेफ्टी सिस्टम इंक्लूड इमरजेंसी ब्रेकिंग मैकेनिज्म, प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर, ऑटोमेट कंट्रोल सिस्टम एंड फेल सेफ प्रोटोकॉल टू इंश्योर द पैसेंजर और ऑपरेशनल सेफ्टी। रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइपरलूप रूट कंसिस्ट ऑफ द इलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्यूब, यानी कि इसका जो रूट होता है हाइपरलूप इसमें इलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्यूब होता है, यानी कि इलिवेटेड करने का मतलब होता है जो इसमें का रूट होगा वो हम लोग क्या करेंगे ऊपर में लगेंगे ट्यूब के, जैसे कि हम लोग पाइलर लगाए पाइलर के ऊपर में हम लोग ट्यूब रखेंगे तो वो हो गया इलिवेटेड, या दूसरा होगा कि हम लोग ये मीन के अंदर रखेंगे यानी कि अंडरग्राउंड रखेंगे ट्यूब, ठीक है। तो हाइपर लूप रूट कंसिस्ट ऑफ इलिवेटेड और अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड टू सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को स्टेशन को और मेंटेन द फैसिलिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिजाइन टू सपोर्ट हाई स्पीड ट्रेवल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन करते हैं हम लोग ऐसा जो सपोर्ट करता है हाई स्पीड ट्रेवल
एंड एनर्जी इफिशियंसी एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ हाइपरलूप पॉड्स, और जो ऑपरेशन जो होगा वो क्या हो, सेफ हो। एनर्जी इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एम टू बी हाईली एनर्जी इफिशियंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मोड। यानी कि इसमें हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का मेन एम होता है वो हायर एनर्जी इफिशियंट हो कंपेयर टू ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मोड, यानी कि अदर जो जो ट्रांसपोर्टेशन जो मोड है उसके कंपेरिजन में। लेवरेजिंग रिजनरेटिंग ब्रेकिंग एंड लो एयर रेजिस्टेंस फॉर द सस्टेनेबल ऑपरेशन। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर पैनल, इसके लिए हम लोग क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करते हैं सच एज सोलर पैनल में भी इंटीग्रेटेड इन टू हाइपरलूप सिस्टम टू फर्दर इन्हेंस सस्टेनेबिलिटी, जो दोबारा इन्हेंस करता है सस्टेनेबिलिटी को। तो ये था मेरा क्या हो गया, ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का फंक्शन हो गया। एप्लीकेशन ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में, इंटर सिटी ट्रेवल में, रीजनल कनेक्टिविटी, कार्गो ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट एक्सेस, हाई स्पीड कंप्यूटिंग कम्यूटिंग, टूरिज्म एंड द लीजर, इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, रिसर्च एंड इनोवेशन हब में यूज कर सकते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का, एडवांटेज है इसका कि अल्ट्रा हाई स्पीड, यानी कि इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, अल्ट्रा हाई स्पीड होगा, लो एनर्जी कंजप्शन, और इसका जो कंजप्शन होगा एनर्जी का वो क्या होगा, कम होगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि जो आज ट्रेडिशनल है उसमें हम लोग क्या फ्यूल का यूज करते हैं, तो फ्यूल के यूज करने के कारण क्या होगा, मेरा इन्वायरमेंट होता है वो पोल्यूट होता है, लेकिन इसमें फ्यूल का यूज नहीं है, ठीक है, तो इस कारण क्या हो गया, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। रिड्यूज कंजक्शन, या कंजक्शन को रिड्यूस करता है। वेदर इंडिपेंडेंट, यह वेदर से क्या होता है, यह इंडिपेंडेंट होता है। डिजास्टर रेजिलियंस, डिजास्टर रेजिलियंस इट मीन्स कि इसका जो पॉड डिजास्टर यानी कि फ्लड से जो डिजास्टर आता है, यानी फ्लड फ्लड आता है तो क्या होता है, फ्लड पूरे आर्य में जिसके कारण क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है और डिस्टर्ब कर जाता है, तो उसको क्या करता है, यह भी क्या करता है, डिजास्टर रेजिलियंस को यह भी क्या होता है, वो निग्लेक्ट करता है फ्लड। कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव, इट मीन्स अगर स्टार्टिंग में किसका जो पैसा है बहुत ज़्यादा हाई लगेगा और बाद में क्या होगा, तो उसके बाद इसमें कम लगेगा, मेंटेनेंस भी बहुत कम लगेगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन क्या है, कम है, तो फ्रिक्शन ना होने के कारण क्या, फ्रिक्शन है तो एनर्जी कंजप्शन होता है, तो हम लोग जानते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कनेक्टिविटी, और इससे हम लोग क्या ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है, हायर इनिशियल कॉस्ट, यानी कि जब हम हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसका हाई इनिशियल कॉस्ट, टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी यानी कि टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी है, रेगुलेटर एंड सेफ्टी कंसर्न, यानी कि यह इसमें सेफ्टी कंसर्न भी है रेगुलेटरी भी है, स्ट्रेट ट्रैक यानी कि जो ट्रैक होना चाहिए वह स्ट्रेट होना चाहिए, लैंड इक्वेशन एंड राइट ऑफ वे, इसमें क्या होगा डिफिकल्टी, लैंड इक्वेशन का हो सकता है और राइट ऑफ वे का, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ड्यू टू कट द ट्री, और एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी है कट द ट्री, यानी कि जब हम लोग स्ट्रेट ट्रैक बनाएंगे तब क्या होगा, जो भी उसके रूट में जो भी जंगल आएगा वो सब ट्री को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो वही इन्वायरमेंटल इफेक्ट ड्यू टू द कट द ट्री। लैंड इक्वेशन इट मीन्स अगर स्ट्रेट रहेगा तो कोई भी अगर जमीन है घर है तो सब उसमें आ जाएगा, जिसके कारण लैंड इक्वेशन और राइट ऑफ वे भी इसमें डिफिकल्ट है, डिसएडवांटेज है इसका।